₹14 तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। कच्चे तेल के दाम गिरने से कस्टमर और कंपनी दोनों को होगा फायदा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में ₹14 तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है, यह अब $81 के नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। मार्च में ये $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी 27% कम हो गए हैं। SMC ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर 45 पैसे प्रति लीटर की बचत होगी। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम ₹14 प्रति लीटर कम होने चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। आइए जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटने की प्रमुख 3 वजह। नंबर 1, ऑयल कंपनियों को प्रति बैरल ₹245 की बचत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बैरल बराबर 169 लीटर होता है। अभी देशों में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये $82 के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल रिफाइनरिंग पर करीब ₹245 की बचत होगी। वजह नंबर 2, ऑयल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था, अब वह खत्म हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अभी भी ₹4 प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ गई हैं। वजह नंबर 3, $70 की तरफ बढ़ रहा है कच्चा तेल। पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा कि ब्रेंट तेजी से $70 की तरफ बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तेल आयात से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकिल 30 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम घटने के एक महीने के बाद असर दिखता है। देश में तेल के दाम पिछले करीब 6 महीनों से स्थिर हैं। हालांकि जुलाई में महाराष्ट्र में पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन बाकी राज्यों में दाम जैसे के तैसे बने हुए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमत। दूसरा, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत। और तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स। और अंतिम, देश में फ्यूल की मांग। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल और डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है, एक बैरल यानी 169 लीटर कच्चा तेल होता है। अब जानेंगे कि भारत में कैसे तय होती है पेट्रोल और डीजल की कीमत। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनी के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह से अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमतें भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। सभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करती है। ऐसे ही रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।